जो कोई मुझे मेजर डैनियल का सिर लाकर देगा उसे मैं 5,000 रुपयों का इनाम दूंगा। वासुदेव बलवंत फड़के। गर्मियों में महाबलेश्वर जैसी ठंडी जगह अंग्रेजों को बहुत पसंद थी, इसीलिए वहां अंग्रेजों को वासुदेव से सुरक्षा देने के लिए फौजों की ज्यादा टुकड़ियां भेजी गई और इन फौजों का खर्चा वहां रहने वाले लोगों से वसूल किया गया। But who should bear for all the expenses for Sumit's security? Well, the natives, of course. We raise money from taxes for military expenses. हम ज्यादा कर नहीं भरेंगे। वाई हमारा गांव है और वो महाबलेश्वर के रास्ते पर है, ये क्या हमारा गुनाह है? इससे अच्छा है कि हम वासुदेव के साथ शामिल हो जाएं। गोरों को कर देने की क्या जरूरत? बेहतर यही होगा कि हम वासुदेव की सेना में शामिल हो जाते हैं। बोलो हर हर हरे, हर हर हरे, हर हर हरे। महाराज, गोरे बंदरों की फौजों ने उत्पात मचा रखा है। ये गोरे लाल बंदर झुंझला कर यहां से वहां कूद रहे हैं। महाराज, हम कितने दिनों तक ऐसे जंगल में छुप कर रहेंगे? सारे काम रुक गए हमारे। अंग्रेजी फौजें इस इलाके में आ गई हैं तो क्या हुआ? अब हम नीचे कोंकण में जाएंगे, पड़ोस पे पनवेल, कल्याण और फिर मुंबई। Why have you stopped? Hey, check it. Yes, sir. Oh my God, what's happening? Hey, chalo, niche utro. वासुदेव बलवंत फड़के। क्या था? हरामजादे! महाराज, ऐसे कई लोगों ने उत्पात मचा रखा है आपके नाम से, क्यों रे? हाँ, सच है महाराज, औरतों और गरीबों पर जुल्म करने वालों का तो सर ही काट देना चाहिए महाराज। महाराज, महाराज एक बार माफ कर दीजिए महाराज, महाराज गलती हो गई महाराज, माफ कर दीजिए महाराज, फिर से गलती नहीं होगी महाराज, माफ कर दीजिए। मार भवानी मार, एक ही वार में सिर अलग कर दे इस गद्दार का। एक बार माफ कर दो, फिर गलती नहीं कर। Who are you? वासुदेव बलवंत फड़के। माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए हमारे महाराज ने खून बहाया है मेम साहब। एक याद रखना, हमारी जो लड़ाई है
वो गोरों से है। हाँ, गोरों की बीवी बच्चों से नहीं। चलो अंदर जाओ। वासुदेव पुणे पर हमला करने वाले हैं, ये जानकर मेजर डैनियल ने कर्नल क्रिस्पिन के पास मदद मांगी। I have to speak to him immediately. We need some bullets. Bullets? I don't have any bullets. Bullets are all over. People have been buying bullets like crazy for the last 2 days. पागल हो गए लोग, पागल। What will happen if Vasudev attacks Pune? How do we save ourselves? I can't help you. I have got only 2 bullets. One for Vasudev and one for me. 13 मई 1879 की रात पुणे में पहले बुधवार पेट वाला और फिर विश्राम बाग वाला, ये दोनों सरकारी कोठियां जला दी गईं। इस घटना से वासुदेव की दहशत अंग्रेजों पर और बढ़ गई। वास्तव में इस घटना से वासुदेव का कोई भी संबंध नहीं था, मगर इन अफवाहों ने इतनी दहशत फैला दी कि सारा पुणे शहर सैनिक छावनी में तब्दील हो गया। पुणे की तरह पणस्पे, पनवेल, ठाणे, इन जगहों पर भी वासुदेव की दहशत बढ़ गई थी। कल्याण स्टेशन पर ब्रिटिश इकट्ठा हुए। आखिर रात को 2 बजे की मालगाड़ी से सारे अंग्रेज मुंबई की ओर रवाना हो गए। The next train to Bombay is a good train, which will leave in 5 minutes. We must get out of Kalyan fast before this bloody man attacks. That bloody man has sworn to kill every Britisher in Maharashtra. He comes out of the dark. He attacks. Then he disappears into the mountains. This mad Indian is a terror. वासुदेव के साथी कोकण से निकलकर कसारा घाट में रुके हैं। उन्हें केवल के पाटिल ने खाना दिया है और मदद का आश्वासन भी। अब वो तड़े गांव के महिपाल पहाड़ पर डेरा जमाए हुए हैं, पर शायद वासुदेव उनके साथ नहीं है। अब तक तो उन्होंने नजर में आने जैसी हरकत नहीं की है। हुजूर, वासुदेव के लोग थीसुबाई की टेकड़ी पर उतरे हुए है। न्यूज कन्फर्म है हुजूर। मैं जानती हूँ माई, तेरे मन में क्या चल रहा है। अरे लेकिन मन तो पागल पंछी होता है भवानी। वो पुण्यवान इंसान है, देश की खातिर घर बार तक छोड़ दिया है उसने। देवता है री वो हमारा। हाँ भाभी, मैंने भी उन्हें अपना भगवान माना है। जानकू, हाँ, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? स्वराज का धन ऐसे माहौल में अपने पास रखना मुश्किल काम है। तुम एक काम करो। बोलिए। महाराज को संदेशा भेजो, मैं ये धन लेकर पंडरपुर जाता हूँ। हाँ हाँ। और तुम रातों रात गानगापुर के लिए रवाना हो जाओ। हाँ ठीक। क्या हुआ? गोरे बंदरों ने हमला किया है। गोरे बंदर पहाड़ के नीचे खड़े हैं। जानकू, लगो काम पे। हाँ। ये भवानी, उठो। क्या उठो? हुआ भैया? केसुबाई का टीला उतरकर ये धन लेके भाग जा। अरे पर भैया, भाग कहता हूँ ना। चलो भाभी, चलो एक साथ जमा हो जाओ। चलो ए शिल्पा, क्या हथियार निकाल, सारा बारूद निकाल, आग बुझाओ। और कोई भी भागेगा नहीं यात्रे, इन गोरे बंदरों से दो हाथ करने हम लोगों को। चलो तैयारी करो। जाने को? अरे पर भैया, तुम दोनों को छोड़कर कैसे जाऊं मैं? महाराज वहाँ राहों में नजरे बिछाए बैठे होंगे। इस धन की स्वराज को जरूरत है। लेकिन जा जा, तू जा माता की सोगर ले, जा मोरी, जा जा मेरी शरणी, जा। अरे अरे निराश मत होना, तुम्हारा सहकारी तुम्हारे कार्य के लिए शहीद हो गया है।
उसका सम्मान करो, शोक मत करो। गंगापुर में जाओ, वेशांतर करो और काशीकर बाबा के नाम से कृष्ण कुंडल धारण करो। तथास्तु।